हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका नाम है डिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने वाले हैं। इसका हम फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आज हम पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन में हम इसका बेसिक देखेंगे, डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी का, और उसके बाद हम बाकी आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो इसके ऊपर आती है हमारे पास, डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास, हमारा क्या एम है? द एम ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज टू फाइंड फोर्सेस मोमेंट्स इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो भी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम जो स्टडी करते हैं, वो हमारा एम क्या रहता है? हमारा एम रहता है फोर्सेस और मोमेंट्स को फाइंड करना। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस हैं और जितनी भी मोमेंट्स हैं उनको फाइंड करना। ठीक है, मोमेंट्स को फाइंड करना। ठीक है, फोर्सेस और मोमेंट्स को फाइंड करते हैं इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। मतलब काफी सारे कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर्स के होते हैं, उनकी हम फोर्सेस और मोमेंट्स निकालते हैं। इफ दीज फोर्सेस कैन बी फाउंड आउट बाय द यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, मतलब स्टैटिक डिटर्मिनेसी। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं इफ द फोर्सेस ऑफ द स्ट्रक्चर्स कैन बी फाउंड आउट बाय द यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास जो फोर्सेस हैं, अगर जो फोर्सेस हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी इक्वेशंस है वो हम नीचे देखेंगे अभी। तो अगर हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वली बीरियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को अगर हम यूज करके फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, उस केस में हम जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ठीक है, तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको बताऊंगा नीचे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी इक्वेशंस है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, इक्वेशंस हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है। इन ए 2D स्ट्रक्चर और प्लानर स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें 2D स्ट्रक्चर की या फिर प्लानर स्ट्रक्चर की, 2D स्ट्रक्चर मतलब टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, या फिर हम प्लानर भी इसी को ही बोलते हैं, प्लानर स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें हमारे पास इन विच ऑल मेंबर्स एंड फोर्सेस आर इन वन प्लेन ऑनली, जिसका मतलब ये हो गया कि जो मेंबर्स और फोर्सेस क्या हैं एक ही प्लेन में है। द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर, उस केस में हमारे पास 2D के केस में हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, तीन इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहले इक्वेशन होती है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दूसरी हमारे पास होती है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, एंड तीसरी हमारे पास इक्वेशन होती है एम एम इक्वल टू समीशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये हमारे पास कितनी इक्वेशन बन जाती हैं, थ्री इक्वेशंस बन जाती हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस है, ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस है। ठीक है, तो कितनी इक्वेशंस है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की? तीन। ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर कर लेनी है, इसके बेसिस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करना मत भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि हमने देखी इक्वेशंस, देखी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन देखी 2D में, अब 3D की बात करें, 3D स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो 3D स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की? इसमें हमारे पास सिक्स इक्वेशंस होती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की 3D के केस में। वो होती है हमारे पास समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, देन समीशन ऑफ एम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एम ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एम ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। ठीक
ठीक है, तो ये कितनी इक्वेशंस बन गई, सिक्स इक्वेशंस बन गई। ठीक है, तो अगर हम 2D की बात करें हमारे पास कितनी इक्वेशंस बनी थी, दो बनी थी, और 3D की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनी वो 6 नंबर में बनी। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा निकालने के लिए कि हमारे पास 2D के केस में इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कितनी इक्वेशंस होती हैं, तो हमने बोलना है 2D के केस में हमारे पास 3 होती हैं, और 3D की बात करें तो हमारे पास 6 इक्वेशंस होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एफ ऑफ वाई फोर्स इन वाई डायरेक्शन, एंड एफ ऑफ जेड फोर्स इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, एम ऑफ एक्स होता है हमारे पास मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एंड समेशन ऑफ एम ऑफ वाई होता है, एम ऑफ वाई हमारे पास है मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, एंड एम ऑफ जेड मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बना के भी दिखाता हूँ। मान लो ये एक 2D का केस है, हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ से फोर्स लग रही है, इस साइड लग रही है या इस साइड लग रही है, तो हम एक्सिस अगर बना दें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है, मान लो ये फोर्स पी लग रही है, और ये जो फोर्स लग रही है पी, ये मान लेते हैं पी वन लग रही है, ये भी पी वन लग रही है, और ये जो फोर्स लग रही है ये लग रही है पी टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास मतलब जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो है पी वन, तो हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ पी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर हम बोलें एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ पी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये ऐसा केस बन जाएगा 2D के लिए, और मोमेंट इसमें लगेगी खाली एक्स डायरेक्शन में मोमेंट लगेगी, सॉरी एक्स या किसी डायरेक्शन में भी मोमेंट लग सकती है, तो इसमें समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये केस था हमारे पास 2D का, वैसे ही 3D का केस भी बनेगा। तो अगर हम 3D के का केस भी दिखाएं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास 3D का केस होगा। ये हमारे पास यहाँ पे है, मान लेते हैं एक 3D क्यूब हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके का क्यूब हमारे पास है, यहाँ पे फोर्स लगेगी, चाहे अंदर की तरफ लगे चाहे बाहर की तरफ लगे, तो फोर्स किसी भी तरफ लग सकती है। ठीक है, ये इस साइड लग रही है, नीचे से भी लग रही है। ठीक है, तो ये चारों साइड से हमारे पास फोर्स लग रही है, ये आ गई एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन, ये आ गई एफ ऑफ वाई डायरेक्शन, और ये वाला पोर्शन है ये, तो ये इस साइड लगेगी एफ ऑफ जेड डायरेक्शन। ठीक है, इस पे ही हमारे पास जो मोमेंट लगेगी, मोमेंट यहाँ भी लगेगी, उसके बाद यहाँ पे भी लगेगी, उसके बाद इस जेड डायरेक्शन में भी हमारे पास मोमेंट लगेगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एम ऑफ एक्स डायरेक्शन, एम ऑफ वाई डायरेक्शन, एंड एम ऑफ जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ हमारे पास फोर्सेस और मोमेंट्स लगेंगी 3D बॉडी पे, और ये जो हमारे पास फोर्सेस और मोमेंट लग रही हैं ये 2D बॉडी पे लग रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो मोमेंट लगेगी हो सकता है वो इस एक्स डायरेक्शन में लगे तो हम बोलेंगे एम ऑफ एक्स। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन में लगेगी तो हम बोलेंगे इसको एम ऑफ वाई। ठीक है, तो इसमें हम एक ही मोमेंट को कंसिडर करते हैं 2D स्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इफ हाउएवर मेंबर फोर्सेस कैन नॉट बी फाउंड आउट बाय द इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलोन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। ठीक है, तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हम कब कहेंगे एक स्ट्रक्चर को, तब कहेंगे जब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसकी जो मेंबर्स की फोर्सेस है उनको हम जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं उनसे अगर फाइंड नहीं कर सकते खाली, तो हम वहां पे बोलेंगे कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, मतलब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सफिशिएंट नहीं होती स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर की फोर्सेस को डिटरमाइन करने के लिए, तो उस केस में हम स्ट्रक्चर को बोल देते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमने बोला कि स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट है तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या कैसे उसको फाइंड करते हैं, इन दिस केस एडिशनल इक्वेशन नीडेड आर ऑब्टेंड बाय रिलेटिंग द अप्लाइड लोड्स एंड रिएक्शंस टू द डिस्प्लेसमेंट्स और स्लोप्स नोन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एडिशनल इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, मान लो हमारे पास बोला कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, तो वो जो है नॉर्मल इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होगा, जो हमारे पास
स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस थी उससे सॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। और ऑब्टेंड बाय रिलेटिंग द एडिशनल जो इक्वेशंस है वो हमें जरूरत पड़ती है, और वो हम कहाँ से लाते हैं, और ऑब्टेंड बाय रिलेटिंग द अप्लाइड लोड्स, ठीक है, जो भी अप्लाइड लोड अप्लाई किए होते हैं उनको रिलेट करते हैं हम, रिलेटिंग द अप्लाइड लोड एंड द रिएक्शन, ठीक है, मतलब जो भी लोड हमने अप्लाई किए होते हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है, उसमें स्लोप कितना आता है, वो हम रिलेट करते हैं, ठीक है। आर नोन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रक्चर, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, मतलब एक्स्ट्रा इक्वेशंस हमारे पास जो हम यूज करते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या होता है, तो आपने बोलना है कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस वो होती हैं एक्स्ट्रा एडिशनल इक्वेशन जो हम यूज करते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को फाइंड करने के लिए, उनमें फोर्सेस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।